हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं जस फ्रॉम सैमिंजर्स हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई। दोस्तों, आज आया हूं आप लोगों को बताने के लिए हमारे ऑफर के बारे में। ऑफर जो हमारा चल रहा है 10,000 रुपीज का। 10,000 रुपीज में गर्ल्स हेयर कट एंड फुल केमिकल, पूरे हेयर कट पूरा केमिकल आप लोगों को मिलने वाला है सिर्फ 10,000 रुपए में। अभी हमारी हिस्ट्री में, मतलब सैमिंजर्स जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक हम लोगों ने ये ऑफर आज तक नहीं दिया। हम लोगों के पहले ये कोर्सेज लाखों रुपए के थे, उसके बाद में आप लोगों के लिए हम लोगों ने किया था 40,000, अभी 30,000, उसके बाद में ये पहली बार आप लोगों के लिए हम लोगों ने किया है ऑफर में 10,000 रुपीज का। मैं सच बता रहा हूँ, ये हमारे हिस्ट्री में सैमिंजर्स के आज तक हम लोगों ने ये ऑफर पहले नहीं दिया, जो इस बार हम लोग आप लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं 2023 में, जिसमें पूरा कोर्स आने वाला है। अभी बात करते हैं कि ये 10,000 रुपीज में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या कोर्स में होने वाला है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे लाखों रुपए के कोर्सेज में होता था सेम चीज़ है, बल्कि उसमें हम लोगों ने और एड ऑन किया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया कि इसमें से हम लोग कुछ कम करते हैं और आप लोगों को ये कोर्स हम आप लोगों को दे दें। तो इसमें पूरा फुल कोर्स आने वाला है। पहले तो ये देखते हैं कि आपके कोर्स में आने क्या क्या वाला है। तो चलिए पहले देखो, उसके बाद में बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, दे वॉन्ट टू नो के प्रोडक्ट्स कैसे रहेंगे, स्टे का कैसे है, जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं। आज मैं सबके क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग को दूंगा, ताकि आप लोग घर बैठे पता लगे कि एक्चुअली जब आप यहाँ आते हो तो आपका कोर्स कैसे होने वाला है और कैसे। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे कोर्स में क्या क्या आने वाला है। हम लोग शुरू करेंगे हेयर साइंस से। हेयर साइंस के बाद में हम लोग शुरू करेंगे सीजर्स एनाटॉमी। सीजर्स एनाटॉमी मतलब जितने भी सीजर्स के नाम होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। उसके बाद में हम लोग करेंगे सीजर्स होल्डिंग। सीजर्स होल्डिंग में कैसे उसको होल्ड करना है, कैसे उसको चलाना है, कैसे उसको रेस्टिंग मोड पे करना है, उसके बाद में हम लोग ये सीखने वाले हैं। उसके बाद में टाइप्स ऑफ सेक्शंस, कितने तरीके की सेक्शंस होते हैं, हम लोग कौन कौन से कट्स में कौन कौन से सेक्शंस यूज कर रहे हैं। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे हेड एनाटॉमी के ऊपर। हेड एनाटॉमी मतलब हमारे जितने भी हेड के पार्ट्स हैं उनके क्या क्या नाम हैं। तो हम लोग बात करेंगे हेड एनाटॉमी के ऊपर, उसकी पूरी प्रॉपर थ्योरी। उसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं लेंथ के ऊपर। देखिए, अलग अलग लेंथ्स होती हैं, सबके अपना एक नाम है, कौन सी लेंथ को क्या बोलते हैं, लॉन्ग लेंथ को क्या बोलते हैं, शॉर्ट लेंथ को क्या बोलते हैं, सबके एक अपने टर्म है, तो उसके ऊपर बात करने वाले हैं। उसके बाद में बात करेंगे डिग्रीज के ऊपर, कितनी तरीके की डिग्रीज होती हैं, क्या क्या यूज है, कौन से कट में यूज होती है, शॉर्ट हेयर में कौन सी होती है, लॉन्ग हेयर में कौन सी होती है, उसके बाद में हम लोग डिग्रीज के ऊपर बात करेंगे। और डिग्रीज के बाद में हम लोग बात करने वाले हैं गाइडलाइन के ऊपर। ये गाइडलाइन ही है ना जो आपका हेयर कट बेटर करते हैं। गाइडलाइंस के ऊपर बात करेंगे, कितनी तरीके की गाइडलाइन है, क्या क्या उसके यूजेस हैं और उसका थ्योरी करने वाले हैं। और उसके बाद में हम लोग करेंगे क्लाइंट काउंसलिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो भी मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन क्लाइंट काउंसलिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आफ्टर ऑल दिस टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं क्लाइंट काउंसलिंग, और उसके बाद शुरू होगा आपके हेयर कट्स, longer to shorter haircuts, basic to advanced, आपके कट शुरू होने वाले हैं। देखते हैं आपके कट में क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले हम लोग करेंगे वन लेंथ हेयर कट, उसमें आएगा स्क्वायर एंड यू। वन लेंथ में ये दो तरीके के हम लोग करने वाले हैं। वन लेंथ मतलब स्क्वायर स्ट्रेट लाइन कैसे बनाते हैं, और यू हेयर कट वन लेंथ में कैसे करते हैं। उसके बाद में हमारे फॉरवर्ड आएंगे। वन लेंथ हेयर कट के बाद में हम लोग करने वाले हैं ट्रांजिएंट लेंथ। ट्रांजिएंट लेंथ के बाद में हम लोग करेंगे स्क्वायर लेयर्स। स्क्वायर लेयर्स के बाद में हम लोग करने वाले हैं शैग हेयर कट। शैग हेयर कट के करने के बाद में नेचुरल इन्वर्जन हेयर कट, ये आपके कट्स आएंगे। लॉन्ग लेयर्स हेयर कट, उसके बाद में हम लोग करने वाले हैं लॉन्ग राउंड हेयर कट। लॉन्ग राउंड हेयर कट इसमें हम लोग दो टेक्निक्स के साथ करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। उसके बाद राउंड लेयर्स जो कि 90 डिग्री होता है, यहाँ पे हम लोग तीन टेक्निक पे काम करने वाले हैं, एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक लॉन्ग हेयर पे। नॉर्मली हम लोग 90 डिग्री हेयर कट मीडियम लेंथ पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग थर्ड जो आपको हेयर कट दिखाने वाले हैं वो लॉन्ग हेयर पे भी दिखाने वाले हैं। उसके बाद में आने वाला है आपका स्लाइडिंग हेयर कट। स्लाइडिंग हेयर कट के बाद में वेज हेयर कट जो कि 45 डिग्री के ऊपर है। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ फेस फ्रेमिंग। बहुत ही अमेजिंग हेयर कट्स होते हैं फेस फ्रेमिंग। इसमें भी हम लोग ने बहुत सारे वेरिएशंस किए हैं। इसमें हम लोग ने किए हैं 360 डिग्री हेयर कट विद फेस फ्रेमिंग, ट्विस्टिंग फेस फ्रेमिंग, 90 डिग्री फेस फ्रेमिंग, ओवर डायरेक्शन फेस फ्रेमिंग और फेस फ्रेमिंग विद एडवांस टेक्निक। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग फॉरवर्ड्स की। फॉरवर्ड में हम लोग बात करने वाले हैं मर्जिंग फॉरवर्ड के, स्क्वायर फॉरवर्ड, ए फॉरवर्ड, स्लाइडिंग फॉरवर्ड, डाउन टू अप, अप टू डाउन
फॉरवर्ड, तो इतने तरीके के करने वाले हैं हम लोग फॉरवर्ड ग्रेजुएशंस। उसके बाद में हम लोग करेंगे शॉर्ट हेयर कट्स। शॉर्ट हेयर कट्स में सबसे पहले मैं बात करूंगा बॉब हेयर कट की। बॉब हेयर कट में भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, जैसे वन लेंथ बॉब हो गया, ग्रेजुएटेड हो गया, असिमेट्रिकल हो गया। इसमें हम लोग ने स्ट्रेट और कर्ली के ऊपर किए हैं, लेयर्ड बॉब हो गया। इसमें हम लोग ने इतने सारे वेरिएशंस किए हैं, आपको मजा आ जाएगा। एक मतलब बॉब की बात करूं, जिसमें लॉन्ग बॉब की बात करता हूं, लॉन्ग बॉब से लेकर के शॉर्ट बॉब तक हम लोग ने किए हैं। उसके बाद हम लोग ने किए पिक्सी हेयर कट्स। पिक्सी हेयर कट्स भी हम लोग ने लॉन्ग पे भी किए हैं, शॉर्ट पे भी किए हैं। इतने सारे आपको आइडियाज मिलने वाले हैं हेयर कट्स में। देख रहे हैं आप लोग कितने सारे हेयर कट्स हो गए, हेयर कट्स ही देखते रहोगे ना, अगर आपको यही समझ में आ गया ना, मैं बोल रहा हूं इतना काम कर सकते हो आप, इतना काम कर सकते हो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। बाकी इसके अंदर हम लोग आपको एक दो हेयर कट बॉयज हेयर कट भी दिखाने वाले हैं, ऐसा नहीं है। शॉर्ट हेयर कट्स में हम लोग आपको बॉयज हेयर कट का भी थोड़ा सा तड़का दे देंगे, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग आपको इसके लिए देंगे कि अगर कोई शॉर्ट हेयर कट्स के लिए आपके पास में आता है तो आपको थोड़ा सा आना चाहिए। बॉब हेयर कट में एडवांस बॉब भी आने वाला है और बॉब की थ्योरी भी आने वाली है। थ्योरी आप देखोगे ना मजा आ जाएगा। बॉब की थ्योरी मुझे लग रहा है पूरी क्लैरिटी के साथ में आप सारे बॉब्स कर लोगे, अगर आपने बॉब की थ्योरी हमारी करी तो। उसके बाद में हम लोग करने वाले हैं ब्लो ड्राइज। ब्लो ड्राइज की अगर मैं बात करूं, अलग अलग तरीके के ब्लो ड्राइज करने वाले हैं। स्ट्रेट ब्लो ड्राई, इन कर्ल्स, आउट कर्ल्स, इन टर्न, आउट टर्न, फिंगर ब्लास्ट, और उसमें हम लोग करने वाले हैं डिफ्यूजर ब्लो ड्राई भी। बहुत अलग अलग तरीके के ब्लो ड्राइज हैं, बहुत मजा आने वाला है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं टेक्सचराइजिंग के ऊपर। टेक्सचराइजिंग अमेजिंग मुझे लगता है टेक्निक है और आपके कट को बहुत एनहेंस करती है। ब्लो ड्राई के बाद में ही हमेशा आप हमेशा टेक्सचराइजिंग करते हो, तो देखते हैं टेक्सचराइजिंग में आपके कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी वैरायटीज हैं टेक्सचराइजिंग के, जैसे इनसाइड आउट टेक्सचराइजिंग, पैरेलल टेक्सचराइजिंग, ट्विस्टिंग टेक्सचराइजिंग, चिपिंग टेक्सचराइजिंग, ब्रिक्स टेक्सचराइजिंग और वीविंग टेक्सचराइजिंग। वीविंग के अंदर भी हम लोग ने बहुत सारी अलग अलग टेक्निक की है, जैसे ट्विस्टिंग हो गया, स्लाइडिंग हो गया एंड ओवर डायरेक्शन टेक्निक के ऊपर हम लोग ने टेक्सचराइजिंग की है। और हम लोग ने किया है बैक टेक्सचराइजिंग, चैनलिंग टेक्सचराइजिंग एंड सीजर्स ओवर कोम। देखा कितने सारे अलग अलग तरीके की टेक्सचराइजिंग आप लोग देखने वाले हैं। मतलब इतना बड़ा कोर्स आप लोग देखने वाले हो, इतना कुछ सीखने वाले हो। अभी तो आपका हेयर कट का ही चल रहा है, हेयर कट्स, ब्लो ड्राइज, और अभी हम लोग ने फिनिश किया हमारा टेक्सचराइजिंग। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग कलर की। अब यहां से शुरू करेंगे हमारा कलर। कलर में सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं थ्योरी। कलर को समझने के लिए थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूट टचअप का, ग्लोबल हेयर कलर का, उसमें हम लोग हाइलाइटिंग करने वाले हैं। हाइलाइटिंग हम लोग करने वाले हैं ग्लोबल विद हाइलाइटिंग। उसके बाद न्यूट्रलाइजिंग, न्यूट्रलाइजिंग मतलब कलर कटिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ओम्ब्रे विद बालाएज हम लोग बात करेंगे, कलर ओम्ब्रे विद बालाएज। उसके बाद जिगजैग हाइलाइटिंग करेंगे, वीविंग हाइलाइटिंग करने वाले हैं, स्लाइसिंग हाइलाइटिंग करने वाले हैं, रैंडम हाइलाइटिंग, रैंडम मतलब पेंटिंग टेक्निक के ऊपर बात करेंगे, रैंडम हाइलाइटिंग के ऊपर काम करेंगे। उसके बाद करेंगे हम लोग मल्टी कलर टेक्निक, मल्टी कलर हाइलाइटिंग के ऊपर बात करने वाले हैं, टेक्निक के ऊपर बात करने वाले हैं। उसके बाद प्री लाइटनिंग एप्लीकेशन, प्री लाइटनिंग एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे। और फ्रॉस्टिंग कैप, फ्रॉस्टिंग मतलब ऊपर कैप लगाते हैं उसमें से हम लोग बाल निकाल के उसको हम लोग करेंगे दो टेक्निक से, एक हम थिक हेयर पे करेंगे और एक फाइन हेयर पे करेंगे, ब्लॉन्डर के साथ काम करने वाले हैं। आइडिया बहुत ही अमेजिंग है। फ्रॉस्टिंग कैप हाइलाइटिंग विद ब्लॉन्डर हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद में सेवन स्टेजेस ऑफ ब्लॉन्डर, सेवन स्टेजेस कैसे होते हैं, एप्लीकेशन के बाद में कौन कौन से लेवल पे जाता है, सेवन स्टेजेस ऑफ ब्लॉन्डर को देखेंगे। और फंकी कलर्स, फंकी कलर्स मतलब जहाँ पे ग्रीन, ब्लू, येलो, जितने भी कलर्स, अमेजिंग कलर्स हैं, फंकी कलर्स के ऊपर हम लोग कलर करने वाले हैं। देख रहे हैं आप कितने सारे कलर्स आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे, बहुत मजा आने वाला है। चलिए अभी हम लोग करेंगे केमिकल के ऊपर। कलर के बात करने वाले हैं केमिकल के ऊपर। केमिकल में हम लोग करने वाले हैं स्मूदनिंग, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग। इसमें हम लोग थ्योरी भी करेंगे, उसके बाद में हम लोग करेंगे सेमी परमानेंट स्ट्रेटनिंग। सेमी परमानेंट स्ट्रेटनिंग में जैसे कैरेटीन हो गया, सिस्टीन हो गया, बोटॉक्स ट्रीटमेंट हो गया, ये भी हम लोग थ्योरी करने वाले हैं। इसके बाद में हम लोग करने वाले हैं स्पा ट्रीटमेंट। स्पा ट्रीटमेंट में हम लोग डेंड्रफ ट्रीटमेंट भी करेंगे, हेयर फॉल ट्रीटमेंट करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे हेयर रिपेयर ट्रीटमेंट, नरिशिंग स्पा ट्रीटमेंट करने वाले हैं, नेचुरल स्पा। नेचुरल स्पा ये प्रोडक्ट है, हम लोग नेचुरल स्पा भी करेंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आउटर स्पा और इनर स्पा है। आउटर स्पा का मतलब है कि हम लोग लेंथ के ऊपर काम कर रहे हैं, इनर स्पा का मतलब कि हम लोग स्कैल्प के ऊपर कर रहे हैं। बेसिकली आउटर स्पा और इनर स्पा, इन सब में ये सब हमारे आने वाले हैं जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बोले हैं। उसके बाद में हम लोग करेंगे हेड मसाज।
इसके लिए ना बहुत सारे लोग दीवाने होते हैं, क्योंकि हेड मसाज में आप लोग को मजा आने वाला है। इतना अमेजिंगली आपको हेड मसाज के टिप्स भी मिलेंगे, ट्रिक्स भी मिलेंगे, और बहुत ही अमेजिंगली। तो और हेड मसाज के बाद में हम लोग करने वाले हैं वेलाप्लेक्स ट्रीटमेंट। वेलाप्लेक्स को हम लोग स्टैंड अलोन भी देखेंगे और कलर के साथ कैसे मिक्स करते हैं। चलिए, ये तो हुआ पूरा आपका कोर्स में क्या क्या आने वाला है। देखते हैं हम लोग कितना बड़ा कोर्स है। मुझे ऐसा लगता है ये कोर्स आप लोगों को कोई भी एकेडमी इतने सारे टॉपिक्स कवर नहीं करने वाली, वो भी सिर्फ 10,000 रुपीज में। 3 महीने का कोर्स है। बाकी जितने भी बच्चे बाहर से आते हैं, आउट ऑफ मुंबई से आते हैं और मुंबई आकर के सीख के जाते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पे आके ना बहुत सारी चीज़ें सीख के जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को ज़्यादा सीखने के लिए कम्फर्ट जोन से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। बाहर आकर के आप रहो, आप सीखो, आप देखोगे मुंबई का पानी एक ऐसा है जो आपको एक्चुअल में काम भी बहुत सिखाता है। तो जितने भी बाहर के बच्चे हैं, मैं उनको यही बोलूँगा, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, और बाहर आने के बाद में अकेले रहो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, अपने डिसीजंस खुद लो, और ये बहुत काम आता है। ये कोर्स तो जो चल रहा है चल ही रहा है, बाकी आपको लाइफ के बहुत लेसन्स जब आप बाहर आते हो तो आपको सीखने को मिलते हैं। बाकी बॉयज़ का एंड गर्ल्स का दोनों का अलग अलग पीजी रहता है, कोई भी एक साथ नहीं होता, लेकिन वहाँ पे सिर्फ बेड सिस्टम्स हैं। चलिए अभी बात करते हैं एड्रेस के बारे में कि हम ये जो कोर्सेज हैं कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हैं। मुंबई की अगर मैं बात करूँ तो आप डोंबिवली एकेडमी में कर सकते हो, जो कि डोंबिवली वेस्ट में है, स्टेशन के ठीक सामने, स्टेशन वेस्ट में। स्टेशन से आप जैसे ही बाहर निकलते हो सामने बिल्डिंग है, तो आप बिल्कुल वहाँ जा सकते हो। जगह का नाम है बिल्वा कुंज। बिल्वा कुंज में आप जाकर के काउंसलिंग करो, वहाँ के हमारे फैकल्टीज हैं, वो आपको बिल्कुल A to Z बताने वाले हैं। कोर्स का आपको मैंने बता ही दिया, स्टे का भी बता दिया, फिर भी आप एक बार एकेडमी होके आओ, वहाँ पे जाकर के देख के आओ। अगर आप बाहर से हो तो आपको एनरोलमेंट अभी करना होगा, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। अगर ये सीट्स पूरी हो गई तो फिर आपको ये ऑफर में हम लोग नहीं दे पाएंगे, फिर आपका दोबारा जो 30,000 रुपीज़ का हमारा जो अमाउंट था वही आपको पे करना पड़ेगा। बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, इसलिए मैं आप लोग को बोलूँगा फटाफट इसको करो और वहाँ पर आप जा करके एनरोल ज़रूर करो। नहीं कर सकते तो बाकी मेरे को लग रहा है मैं काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर आपके दे ही रहा हूँ। और स्टेशन के सामने है हमारा डोंबिवली में। वर्सोवा की बात करूँ तो वर्सोवा में हमारा मेट्रो स्टेशन, वर्सोवा मेट्रो से 1 किलोमीटर दूर है। सी बीच हमारे थोड़ा सा पास में है, रोड क्रॉस करते ही सी बीच आता है, जिसको बोलते हैं रॉक बीच। कभी भी आप लोग आते हो तो रॉक बीच के पास में हमारी वर्सोवा अकेडमी है। 7 बंगलोज गुरुद्वारे के बिल्कुल पास में एक लेन जा रहा है, मतलब गुरुद्वारे की और सैमेंजर्स वर्सोवा अकेडमी की वॉल एक ही है, लेकिन हमारा 1 लेन इनसाइड है। आगे एक बिल्डिंग है रेड कलर की, उसके पीछे आप आएंगे तो वहाँ पे आपको सैमेंजर्स मिलेगा, जो कि वर्सोवा अकेडमी है हमारी सैमेंजर्स की। वहाँ पे आप बिल्कुल आकर के काउंसलिंग कर सकते हैं। और अगर आप बाहर हैं नहीं आ सकते तो मुझे लग रहा है मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है कहाँ पे आपको आना है। आप डोंबिवली भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी वर्सोवा अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल। अभी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कितने दिनों तक वैलिड है। देखिए, मेरा तो दिल करता है कि ये ऑफर जो है हम लोग बहुत टाइम तक रखें आप लोग के लिए, लेकिन जो बच्चे भी अभी ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं दोनों अकेडमीज़ में, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। उतने बच्चों को अकोमोडेट करेंगे जितने हमारी अकेडमी अलाउ करेगी। तो अभी हम लोग एनरोलमेंट कर रहे हैं, मे बी दिस वीक नेक्स्ट वीक तक ये पूरा अगर हो गया तो फिर आपको अकोमोडेट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये ऑफर कुछ ही दिनों के लिए है। अगर आपको इसके बाद वाले ऑफर को लेना है तब भी आपको पेमेंट अभी करना पड़ेगा। 10,000 रुपीज़ का है, जैसे मैंने आपको बोला, ना ये पहले ऑफर आया था ना आगे ही ऑफर आने वाला है, कुछ ही दिनों का ऑफर है। सीट बुक करने के बाद में आपको भेजना होगा UPI ट्रांजेक्शन ID का स्क्रीनशॉट, ताकि यहाँ पे हम लोग टैली कर सकें। तो बस मैं इतना बोलूँगा कि आप लोग ज़रूर जल्दी आएँ वर्सोवा अकेडमी में, और अभी कुछ ही दिनों के लिए है। जैसी सीट पूरी हो गई ये ऑफर हम लोग रोक देंगे, फिर आपको दोबारा 30,000 रुपीज़ ही पे करने होंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आएँ और ये ऑफर को अवेल करें ताकि ये आपके बेनिफिट्स हों। बस अगर कोई बच्चा आपको ऐसा लगता है जिसको इसकी बहुत ज़रूरत है तो आप भी उसको गिफ्ट कर सकते हैं, उनकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है। कोई भी गरीब बच्चा, ये बेसिकली उन्हीं के लिए किया है कि कोई भी बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा 30,000 को भी, ये उनके लिए है। तो बस मैं आप लोगों की ये रिक्वेस्ट करूँगा, आपके आसपास में आप देखो कोई बच्चा, इसमें एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज लिमिट, तो मिनिमम 16 ईयर्स का बच्चा होना चाहिए। बेसिकली आप अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो प्रैक्टिकल ज़्यादा करना, थियोरेटिकली मुझे लगता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो प्रैक्टिकली ज़्यादा फोकस करना। और अगर आपको पढ़ाई लिखाई आती है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप समझ सकते हो, थ्योरेटिकली आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सैम मैम ने
हमारी हेयर साइंस से लेके कलर साइंस से लेकर के केमिकल साइंस, ये सब SAMM के थ्रू ही आप लोग सीखने वाले हो। बहुत ही अमेजिंग तरीके से उन्होंने पूरा डिज़ाइन किया है और थैंक्स टू SAMM मैम। SAMM मैम हमारे मुंबई की टीम ने मुझे फोर्स किया कि भाई आप ये जो 10,000 रुपीज़ का हेल्प है ये बच्चों को ज़रूर करें आप, तो उसकी वजह से आज मैं ये कोर्स आप लोगों को हम लोग दे पा रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग ये ऑफर जाने मत दीजिएगा, इसको कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में अगेन आपको पे करने पड़ेंगे 30,000। बाकी हम लोग कर रहे हैं आप लोग का वेट हमारी डोंबिवली एकेडमी और हमारी वर्सोवा एकेडमी में। इसके साथ लेता हूँ इजाज़त, मिलेंगे हमारी एकेडमी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।